Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Start with the name of Allah, who is the most precious and the most merciful. How are you? Once again, I am with you. Today, I am going to Zaf Food and Bakers. I said to Baba, Baba, please make grilled burger for me. And finally, Baba said, yes. They're all things are very delicious and tasty, but grill burger is one of the best. Here, grill burger will get ready. It's very clean and inshallah it will be very tasty. Nation, and we're at Zaf Food and Bakers, and this beautiful ayat is written on a wall and looking so awesome. Now let's go to kitchen. Assalamu alaikum uncle. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uncle, aap rozana itne sare samosa kaise bana lete hain? Beta, ye to hamara roz ka kaam hai, 400 samosa banana. Aap 400 ek din mein kya bana lete hain? Beshak aap 800 bana le samosa hamare se. Baba, come here. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Baba. Now, I'm present in kitchen of Zaf Food and Bakers with my Baba. Aaj main apne Baba ke saath Zaf Food and Bakers ke kitchen mein hoon. Main aur mere Baba milkar grill burger banayenge aur आपको भी मजा आएगा हमारे साथ साथ। Assalam alaikum all the viewers. I'm very thankful to you that you subscribed Ayat channel. Today she requested me to make the grill burger by yourself. It's too difficult for me, but with the help of the chef, inshallah I'll make it. I request to the chef, please help me, and inshallah we'll make the burger. Then she will be eating that burger. First of all, I want to tell you something about the Zaf Food and Bakers. Actually, ये Zaf Food and Bakers जो है ना, ये just a name of the passion. ये एक शौक का नाम है. ये कोई business नहीं है मेरा. ये सिर्फ एक शौक किया है. और उसके behind जो thinking है, that is very positive. वो यही है कि भई इस शहर के अंदर कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन फूड, अच्छे मटेरियल में, जैसे आप यू कैन थिंक दैट यू हैव मेड द फूड एट योर होम, वो होम मेड फूड की तरह हो, कोई डाउट ना हो उसके अंदर के यार इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड की हैं, चिकन कैसा है,
इसके जो स्पाइसेस यूज़ हो रहे हैं वो कैसे हैं, जो इसकी सॉसेस यूज़ हो रही वो कैसी हैं। हमने यहाँ पे बेस्ट बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल जो चीज़ें हैं ना उसको हमने अरेंज करके इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आई होप यू विल एंजॉय इट। बस आपको यही बताना मकसद था कि आप ज़ाया फूड पे अगर विज़िट करते हैं तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट गुड। इसमें कभी इंशाल्लाह डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो खा रहे हैं उसमें क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं और हमें क्या यूज़ करनी चाहिए। थोड़े से कॉस्ट के डिफरेंस के साथ जो है ना वो मतलब बहुत आला क्वालिटी जो है प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इंशाल्लाह अभी तो इसके लिए बनेगा ग्रिल्ड बर्गर। तो ये मुनीर साहब हैं, हमारे शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सर ने बताया आपको, बिल्कुल सेम ही है मेरी बात भी, लेकिन सबसे पहले इन्होंने हमें पाक और साफ़ सुथरा रहना, नीट एंड क्लीन एवरीथिंग, किचन, फूड सिक्योरिटी, हर चीज़ के बारे में बताया और सिखाया। हमें भी कुछ मालूम था लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रिल बर्गर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नो प्रॉब्लम। ही इज़ द बैक बोन ऑफ दिस किचन, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। So inshallah he will be making the good food and he is making for the last 1 year. Yes, I work a long time in Abu Dhabi and Pakistan, Islamabad and Lahore. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले तो ये चिकन जो है it's a marinated chicken. ये हमारी अपनी एक रेसिपी है जिससे इसके मैरिनेशन की हुई है। तो ये है उसका थाई पीस है। तो सबसे पहले इसको हम ग्रिल करेंगे। ये राउंड अबाउट इट विल टेक 20 मिनट्स टू ग्रिल। तो ग्रिल करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। उस दौरान हम बाकी चीज़ें इसकी प्रिपेयर कर लेते हैं कि इसके अंदर जो बाकी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सेकेंड, अब इसमें अनियन यूज़ होंगे, उसकी हम थोड़ी सी कटिंग करते हैं। क्यों भाई कैसे? ये देखो इतना आसान नहीं है। वो अंकल बनाते हैं डेली के इतने इतने सारे बर्गर, तो आज मैं आपको बना के खिला रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जो है ना फिर आपने ये मुझे आपने बना के खिलाना है। ज़रूर कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं चाहिए, अब ये पता होना चाहिए कि जो है खाना कितना आसान है और खिलाना कितना मुश्किल है। فاليوم نحن نسوي البرجر ونوريكم كيف نسوي البرجر بس خوشي يا انكل عاصم ماشي ये चिकन हमारा रेडी हो गया है। इसको हम यहां से पिकअप करेंगे और इसको बाहर पे दे जाएंगे। First we'll add the sauce. ये सॉस हमने टू टाइप्स ऑफ सॉसेज हमने डाली हैं और ये हमारी एक स्पेशल सॉस है जो हमारी अपनी
रेसिपी है, ये सालसा सॉस है हमने बनाई हुई, तो ये इसको भी ऐड करेंगे। ये स्वीट एंड सोर होती है। चलिए जी, ये होगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ ये आइसबर्ग। ये आइसबर्ग जो है ये हमें मुल्तान से मंगवाना पड़ती है, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, और ये बड़ा ज़बरदस्त का फ्लेवर बनाती है। इसी में हम ये टोमेटो ऐड करेंगे। फिर ये टोमेटो हो गया, ये कोकम्बर हो गया, और फिर इसके बाद ये साथ में हमने ये, और इसको थोड़ा सा, ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा हमने मेल्ट किया हुआ है, ये इसको थोड़ा सा और मेल्ट करें, उस पर रखेंगे, ये हो जाएगा जी, हो जाएगा। इस पर रखेंगे तो हम इसको थोड़ा सा, और ये मेल्ट हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना, बस ये थोड़ा सा इसको करेंगे, ये इस पर हीटअप हो गए, मेल्ट हो जाएगा। ऑनियन, ये हमारे जो सॉसी ऑनियन्स हैं, ये इसको आप हम इस पे डालें, आप भी कुछ कर लें, ये सिर्फ खाने का प्लान है। चलें मैं ही डाल देता हूँ, आपके हाथ जो है ना वो इसमें, ये आप देखें इसमें टमाटो आ गए, टमाटो है, इसमें ऑनियन्स हैं, इसमें थ्री टाइप्स ऑफ सॉसेज हैं, कोकम्बर है, आइसबर्ग है। ये देखता रहता हूँ मैं, लेकिन बनाया फर्स्ट टाइम है। ये जी हमारा ग्रिल्ड बर्गर रेडी है, रेडी टू ईट। इसको आप देखें, इसमें जो है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, इसमें आइसबर्ग है, इसमें टोमेटो है, इसमें अनियंस हैं, इसमें थ्री टाइप्स ऑफ सॉसेज हैं, और एक हमारी स्पेशल सॉस है जो मतलब हमने खुद से अपनी रेसिपी एक बनाई है, और इसको हम फ्लेवर बनाते हैं। अब इसको सेंटर से हम काट लेते हैं। ये ले जी, आपका बर्गर इज रेडी, यू कैन ईट इट नाउ, एंड लेट अस मेक सम अदर फूड, वी विल आल्सो मेक द पिज़्ज़ा फॉर आवर सेल्फ, यू कैन ईट दिस बर्गर एंड वी विल बी एंजॉयिंग द पिज़्ज़ा। Thank you very much. We'll finish this vlog here. So thank you very much for watching. The purpose of this vlog, just to encourage her, motivate her. The main is to recite the Quran. After eating this burger, after eating this, she committed to recite one surah with a full qiraat, with full talaffuz. Waiting for grill burger. Oh wow, it looks so yummy. Thank you Baba, thank you Zach Food and Bakers. يا ساك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل Now I will recite Quran after eating burger as I promised with my father. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. ولا نوم
في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. الله حافظ.